तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए एक और निकम्माल की पबजी मोबाइल वीडियो के साथ वापस। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने चैनल पे इस तरह की कुछ वीडियो बना रखी थी और इसके बारे में कुछ बताया था, तो फाइनली 1.1.0 के इस अपडेट में काफ़ी कुछ नया आने वाला है, जो कि आप लोग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा खुश होगे। और जो भी बातें हैं, मतलब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो पहली चीज़ ये है कि अगर कोई व्हीकल चलाते थे तो उसमें लेआउट पहले से सेट होता था, तो आप उसको अपने आप से मतलब कस्टमाइज़ नहीं कर सकते थे, जैसे अपने लेआउट को कस्टमाइज़ करते थे। लेकिन अब का ये जो नया अपडेट आया, तो उसमें आप जो व्हीकल का जो ड्राइविंग होता है, जैसे आप अपने क्लो को सेट करते हो, तो वैसे ही इसको अब भी आप अपने मर्जी से जहाँ मन वहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि अपने लेआउट वगैरह और जो क्लो होता है उस चीज़ को। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी दे दी है मतलब पबजी मोबाइल वालों ने, और जिसको भी थोड़ा दिक्कत होता था तो वो अब इसमें कर सकता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर पहले आप कोई भी मेली वेपन वगैरह उठाते थे तो एक ही उठा सकते थे, अब इसमें आप अपने आप से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जितना चाहे उतना उठा सकते हो। तो जैसा कि मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि मैंने ले लिया 2 3 4 और इसको थ्रो कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को काफ़ी दिन से वेट था कि हम पेन फेंक के कैसे मारेंगे, तो देख सकते हो कि हम इसको मतलब इसको थ्रो करने का ऑप्शन भी आता है, तो आप इसको आराम से अटैक करके थ्रो कर सकते हो, और इसको आप इन गेम में भी यूज कर सकते हो, जैसा कि मैं इस बोट पे आपको करके दिखाता हूँ। तो यह पेन आपको मतलब कतई जहरीला है, मतलब क्या ही एक में ही हम लोग भेज सकता है ये पेन, अगर आप हेडशॉट मारते हो जैसे AWM वगैरह जो भी है। तो उसके बाद ये जो आपको मैप से दिख रहा होगा, और मैं अपने पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि जो A1 B2 वगैरह ब्लैक और ब्लू में था, तो आप उस स्टेशन पे जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ से ऐसा कुछ सीन है जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा, और पहले आप एक जगह ही मार्क लगाते थे, तो आप इस बार मतलब 4 जगह मतलब जहाँ पे भी उतरना है यहाँ पे आपको स्टेशन देखने को मिलेगा, और आप 4 जगह इसको मार्क करके उतर सकते हो, और यहाँ से रूट आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि आपको कौन से स्टेशन से कहाँ पे जाना है। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ पहले, और इसमें मतलब अपने हिसाब से मतलब आपको कहीं भी जाना है तो आप उस रूट को सेट कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ आपको, जिससे कि अच्छे से आपको पता चले। और ये जो आपको ब्लू और रेड कलर का जो मार्क दिख रहा होगा, उस पे से देख सकते हो आप मैं मार्क कर रहा हूँ, तो मैंने 3 4 जगह 4 जगह टोटल मार्क किया है। अब पहले हम उतरते तो देखते हैं मतलब क्या सीन है इसका, और मैं जूम भी कर दिया जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए, और देखते हैं पहले उतरने के बाद। तो हम उतरेंगे ये जो पोचंकी के पास, आपको जो मैं पहले दिखाया था कि उसमें आप एंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सी टाइप से कुछ था, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप देख लो। और ये जैसा कि स्टेशन है, तो इसमें हम पहले जाते हैं, तो आई थिंक सो इसका दरवाज़ा इस साइड है, तो देख सकते हो मतलब क्या ही गजब तरह से इसका निकल रहा है, मतलब दरवाज़ा खुल रहा है। तो ये पूरा चेंज हो गया है, पहले का जो इंट्रो था वगैरह वो बिल्कुल इन्होंने मतलब चेंज कर दिया है, मतलब इस पे काम अच्छे से हो रहा है। और पहले आपको यहाँ पे लूट भी देखने को नहीं मिलती थी, तो आप यहाँ से लूट भी देख सकते हो, और पूरा का पूरा चेंज हो गया था। और इस बार आप अंदर भी मेट्रो के जा सकते हो, तो मैंने पहले वाले वीडियो पे दिखाया था कि आप अंदर नहीं जा सकते थे, तो मैं बस आपको छोटा मोटा ऐसी चीज़ दिखाया था। तो वेट करते इसके चालू होने का, और हम देखते मतलब यहाँ से कहाँ पे पहले जाएंगे। तो फ़िलहाल तो हम C3 पे हैं, अब पहले मैप पे देखते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ पे ले जाएगा ये। और ये आपको जितना भी जो मैप में आपको दिख रहा है ना, वो मतलब उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ जाओगे। तो हम C3 पे हैं, तो मेरे ख्याल से C4 पे जाएगा क्योंकि 3 के बाद तो 4 ही आता है, तो मैंने मार्क कर लिया वहाँ पे। और वेट करते पहले इसके मतलब मेट्रो को चालू होने का, ये 30 सेकंड लेता है और इसका दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाएगा, तो देखते हैं पहले। तो ये 30 सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और आपके सामने पूरा ब्लैंक हो जाएगा, और उसके बाद कुछ
आप तुरंत ही पहुंच जाओगे, मतलब आपके आगे मतलब जो सा भी स्टेशन होगा आप जहाँ पे मार्क करोगे, मतलब ये तो आपके अनुसार नहीं जाएगा लेकिन जो इसका रूट होगा उस हिसाब से जाएगा। और देख सकते हो मैंने मार्क भी आपको दिखा दिया कि हम C4 पे आ गए हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारी लूट भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसा कि पहले के अपडेट पे ये नहीं था। और मतलब अलग अलग तरह की आपको लूट वगैरह, ड्रिंक वगैरह, गन वन जो भी है, तो ये खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट स्टॉप वगैरह है C5 है, तो इसमें टाइम वगैरह सब दिखाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको यहाँ से मतलब एग्जिट करना है, आपको बाहर जाना है, तो यहाँ से लीव स्टेशन कर सकते हो और आप बाहर निकल जाओगे। तो ये आप वहाँ पे निकलोगे जहाँ पे मतलब जिस स्टेशन पे पहुँचे हो, मान लो C3 पे गए हो तो वहाँ पे नहीं उतरोगे क्योंकि वहाँ से अब आगे आ गए हो, तो अब जहाँ पे आओगे वहीं पे मतलब निकलोगे। अब आगे बात करते हैं स्टन ग्रेनेड के बारे में। तो स्टन ग्रेनेड जो है उसका लेआउट और साउंड वगैरह जो भी है मैप में जो साइन आता था सारा चेंज हो गया हो, तो आप ध्यान से देखना मतलब मैप में कि आपको जो उसका वो मार्क आता है कैसा है। तो पहले मार्क जैसे फायर हम करते थे वैसा आता था, लेकिन इस बार बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और इसमें जो भी अपडेट है मैंने बताया आपको, और जो ग्रेनेड है, ग्रेनेड स्मोक और स्टन ग्रेनेड, उन सब का साउंड और मार्क एकदम बिल्कुल अलग हो गया है इस 1.1.0 के अपडेट में, जो कि ये ग्लोबल में आने वाला था, लेकिन ये खैर अब तो ग्लोबल चेंज हो गया मतलब बैन हो गया, तो आप KR वर्जन में भी खेल सकते हो। तो उसके बाद अगर लोबी में आप खड़े रहोगे तो जैसे ही मेट्रो का आपको एक डब्बा सा दिखा होगा उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। तो ये मेट्रो का कुछ है, तो ये बिल्कुल एकदम नया मतलब वो है, कुछ नया ही अपडेट है। इसमें आप सामान को मतलब सेल और रख भी सकते हो यहाँ से, कुछ भी इन्वेंट्री वगैरह, तो इसमें कुछ अच्छा खासा तो मेरे को समझ में आया नहीं है। तो यहाँ से आप इस सामान को ख़रीद और मतलब बेच भी सकते हो और रख भी सकते हो, तो इसके बारे में अभी इतना कुछ खास पता नहीं है। तो पहले मैं देखता हूँ मतलब चेक करता हूँ कि क्या क्या इसमें सीन है। तो बस ऐसे ही, तो मैं पहले इसका आपको ट्रेलर दिखाया था जो कि ये मेट्रो के अंदर जाता था, तो इसमें क्या ही बकचोदी है मतलब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं मतलब ये कब तक आता है अपने उसमें ग्लोबल में, तो अभी खैर आएगा नहीं, और KR वर्जन में ही आप खेल सकते हो। और ये जो अंदर जो मेट्रो के अंदर आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी ट्रेलर आपको दिखाया था, तो इन सब के बारे में अभी इतना खास पता नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसको खेला भी नहीं है सही से। तो देखते मतलब क्या सीन है इसका। और ये मतलब एक अलग ही तरह से इसका जो मेट्रो रॉयल का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, तो ये कुछ अलग सा होने वाला है उससे, जिसमें आपको कुछ ये जैसे गन गेम वगैरह टाइप का जो मैप सा दिखता था कुछ उस तरह से ये, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। तो इसमें हम देखते हैं मतलब क्या कर सकते हैं इसको। तो और तो फ़िलहाल इसमें कुछ अपडेट नहीं आया, और जो भी अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहे। और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और जो भी ये सब मैप वगैरह है जो कि अभी फ़िलहाल इतना तो समझ में आ नहीं रहा है, ओल्ड ब्लॉक जोन वगैरह है और ये कहाँ से कहाँ पे है, तो ये सब मैप एकदम अभी कुछ इसके बारे में लॉक्ड है, तो ये अभी सब इसके बारे में भी हमको पता नहीं है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।